ओके सभी साधकों को नमस्कार। आज का सत्र प्रारंभ करते हुए पहले थोड़ा वक्त जो साधना के समय हमारे मन में जो विचार आते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पिछले सत्रों में भी हमने देखा कि एक सवाल जो उठ के आता है सबसे वो है कि मेरी साधना में मेरा मन बहुत बार भटकते रहा, इधर से उधर बहुत सारे विचार आ रहे थे। तो ये विचार कैसे आते हैं और इन पर हमारे इनका हमारे ध्यान पर क्या असर होता है, तो इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने जैसे सिखाया है, जो विचार आते हैं हमारी साधना के दौरान ये पांच प्रकार के होते हैं, या पांच इनके इन विचारों की पांच तरह की प्रकृतियां होती हैं। तो एक होता है लोभ, लोभी विचार होता है कि ऐसी कोई चीज के बारे में विचार आए जो हम चाहते हैं, कि जो हमारे पास नहीं है आज और हम चाहते हैं कि ये हो, या हमारे पास है और हम चाहते हैं कि और हो हमारे पास। तो एक विचार एक प्रकार का होता है जो कि लोभ के प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार का जो विचार होता है वो घृणा या द्वेष का होता है, कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, जो चीज हमें नाराज करती है, असुविधा देती है, जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना हो। तो ये दूसरे प्रकार का एक विचार होता है जो हमारी साधना में प्रकट होता है। तीसरा होता है एक बेचैनी के प्रकृति वाला विचार, ना ऐसी कोई बात है कि हम बहुत ज्यादा चाहते हैं उसे या हम बहुत उससे परेशान हैं, बस ये विचार आता है क्योंकि हमारे मन का एक मन की एक प्रकृति है कि अलग अलग चीजों पर एक जगह स्थिर नहीं रहता, अलग अलग चीजों पे जाता है। तो ये कुछ भी किसी भी चीज पर विचार हो सकता है, जो हमारी दैनिक जीवन में कुछ आया हो, क्रिकेट का मैच चल रहा है इसके बारे में हो सकता है। तो ये हमारी साधना से भी जुड़ा नहीं है, ये हमारे बहुत पसंद नापसंद से भी नहीं जुड़ा है, ये बस इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं हमारे साधना के आलंबन पर। ये तीसरे प्रकार का है जो कि एक बेचैनी जिसे कह सकते हैं। चौथे प्रकार का विचार है जो कि आलस है, कि हम अपनी साधना के वाहन, साधना के वस्तु या आलंबन पर अपना ध्यान रखने में दिलचस्पी नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ी देर में बस हमारा मन जैसे एक डल माइंड बोलते हैं, डल हो जाता है, इसमें ऊर्जा कम होती है, इसमें दिलचस्पी कम होती है, अपने मित्र को या स्वयं को मंगल मैत्री की भावना भेजने में, और इससे मन हमारा बिल्कुल आलस्यमय हो जाता है, जिससे कि हम मन के भटकने को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ना हमारा ध्यान हमारे साधना के आलंबन पर है, ना किसी और चीज पर। तो ये चौथा प्रकार है विचारों का जो कि एक आलस्य से जुड़ा हुआ है। पांचवें प्रकार का जो विचार होता है वो होता है संशय या डाउट। तो इसमें हमारा मन हमेशा ये सोचता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैंने अपने, क्या ये मैं, ये मंगल मैत्री है जो मैं भेज रहा हूँ, क्या मैं 6 आवर्स या जो हमारे ध्यान को, भटके हुए ध्यान को एक विचार से वापस लाने की जो प्रक्रिया, क्या मैं वो ठीक से कर रहा हूँ, क्या इस साधना का फायदा हो। तो ये सब एक इस प्रकार के जो विचार होते हैं ये संशय से जुड़े होते हैं। तो ये पांच प्रकार के विचार होते हैं, एक बार दोहरा देता हूँ। एक लोभी विचार होता है, एक द्वेष वाला, द्वेष या घृणा, अवर्जन, हेट्रेड वाला विचार होता है। तीसरा होता है बेचैनी वाला, जहां हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। चौथा है आलस्य का, जहां हमारे मन में साधना की ओर, साधना के आलंबन की ओर दिलचस्पी नहीं है, ना हमारी मन के भटकाव
की ओर जो हम ध्यान देना चाहते हैं, जो स्मृति हम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हम मन के भटकाव को पहचान सके, उसकी ओर हमारी दिलचस्पी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ये चौथा प्रकार हुआ। और पांचवा हुआ संशय, कि जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर ही हम सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। हर प्राणी का अनुभव जो है साधना के साथ, मंगल मैत्री के साथ, विचारों के भटकाव के साथ, ये अलग होता है। तो इसमें कई बार संशय उत्पन्न होता है कि क्या मैं सही तरीके से अपनी साधना कर। तो ये पांच प्रकार के विचार हैं। जैसे हमने पिछले सत्रों में चर्चा करी है कि ये विचार आप नहीं लेके आते हैं, मतलब आप साधना के लिए जब बैठते हैं आप नहीं ये सोचते कि अच्छा अब मैं साधना के लिए बैठा हूं लेकिन मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। ये खुद ब खुद उत्पन्न होते हैं ये विचार। और इस विचार पर अगर हम ध्यान देते रहे, जैसे ही हमने पहचाना, अगर हम सही कदम लेकर जो समिक व्यायाम है, जो राइट एफर्ट है, या जो शिक्षार है हमारे प्रैक्टिस में, सही कदम होते कि हमने पहचाना कि मन भटक गया इस विचार में, हमने निर्णय लिया कि इस विचार को हम बहने देंगे, इस पर और ध्यान नहीं देंगे। मन में जब विचार जब उत्पन्न हुआ, जब हमारा ध्यान भटका, तो एक तनाव पैदा हुआ था, उस तनाव को हमने शांत करा। चौथा, हमने चेहरे पर फिर मुस्कुराहट लाई। पांचवा, हमने फिर वो मंगल मैत्री की भावना अपने प्रति या अपने आध्यात्मिक मित्र के प्रति भेजना शुरू किया। और छठा, ये याद रखा कि हमने अपना ध्यान अपने साधना के वाहन पर रखना है, और जब भी मन भटके तो यही पांच, यही छह कदम लेकर हमें अपने ध्यान को वापस लाना है। तो जब ये विचार उत्पन्न होते हैं, अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं, अगर ये हम सिक्स आवर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे ध्यान जो उस विचार में अटका हुआ है, अगर हम सोचते हैं कि चलिए शांति में बैठे हैं, ये मेरे जीवन का बहुत एक मुख्य प्रसंग है, इसके बारे में सोच लेता हूँ, ये भूल गए कि आप साधना करने के लिए बैठे थे, या अपने साधना की दिलचस्पी एक और रख दी और कहा कि चलो इस मुद्दे पर विचार किया जाए, तो जैसे आप ये ध्यान देंगे इस विचार पर, तो उससे आप और ज्यादा जुड़ जाएंगे, उससे वापस आना और कठिन हो जाएगा। और ये केवल जो एक विचार था जो आप चाहते भी नहीं थे लाना, खुद ब खुद उत्पन्न हुआ है, इसमें आपकी पूरी वास्तविकता इसमें गुम हो जाएगी। कि आप जैसे ही पहले विचार उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तृष्णा पैदा होती है कि ये विचार मुझे पसंद है नहीं पसंद है, केवल एक छोटा सा भाव कि ये पसंद है नहीं पसंद। फिर जैसे हम ध्यान इस पे देते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़कर एक कहानी में बदल जाता है कि ये मुझे क्यों पसंद नहीं, या ये मुझे क्यों चाहिए, मैं ये प्रमोशन क्यों चाहता हूँ, या मुझे अपने पड़ोसी से क्या नाराजगी। तो ये कहानियों में उसके बाद जो उपादान कहते हैं, तो वो एक प्रक्रिया होती है जिससे हम कहानी में फंस जाते हैं। इस कहानी में फंसने के बाद हमारी होती प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, कि हम किसी भी चीज को लेकर हमारे अंदर एक सेट रिएक्शन होते हैं, कि ये चीज होती है तो मैं मुस्कुराता हूँ, ये चीज होती है तो मैं हंसता हूँ, ये चीज होती है तो मैं आंखें बनाता हूँ, ये चीज होती है तो मैं चिल्लाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी हमारी प्रतिक्रिया होती हैं। ये प्रतिक्रिया में सोच या एक हमारी समझ जो होती है वो बहुत कम होती है। ये बस हमने इतनी बार हमने अपने जीवन में करा है कि ये खुद ब खुद प्रकट होती। तो जैसे हम ध्यान अपना एक भटकने वाले विचार पर बनाए रखेंगे, तो वो विचार बढ़ते जाएगा। पहले तृष्णा से शुरू होगा, जो कि हमारे जिसका लक्षण है, जो हमारे मन में या बदन में तनाव पैदा होता। जैसे ही ये पहचाना, अगर हम अपने मन को वापस ले आए, तो बहुत आसानी से वो थोड़े ही क्षण में वो विचार अपनी शक्ति खो देगा। उस विचार का पोषण है हमारा ध्यान,
अगर हम वो पोषण देते रहे तो वो विचार एक कहानी में बदलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी दुनिया क्या है, ये जो कल्पना है हमारी कि हम कैसे हैं, कौन हैं, हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया के साथ क्या लेना देना है, उस कहानी में, उस कल्पना में ये विचार कहाँ मौजूद है, इस सोच में हम चले जाते हैं और इसके बाद हम एक रिएक्शनरी मूड में चले जाते हैं। तो ये जो मन का भटकाव है, यही समझने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। तो कई बार हमारे विचार आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने पहचाना कि हमारा मन भटक गया है, तो शिक्षार के जरिए हमें अपने मन को वापस अपने ध्यान के, हमारी साधना के वाहन या आलंबन पर वापस लेकर आना है, यानी मंगल मैत्री भेजने पर वापस लेकर आना है। एक अच्छा सत्र ये हुआ, ध्यान सत्र अच्छा हुआ अगर आपने जब भी पहचाना कि मन भटक गया है तो आप उसको वापस ले आए, भले ही वो कितनी बार भी भटके। दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये नया नया कर रहे हैं ये साधना, तो अगर कोई विचार उत्पन्न होता है हमारे मन में लेकिन हमारा ध्यान उसकी ओर भटक नहीं रहा है, हमारा ध्यान अभी भी हमारे साधना के वाहन पर ही है, हम अपने, हमारा ध्यान मंगल मैत्री भेजने अपने अपने लिए या अपने आध्यात्मिक मित्र के लिए अगर उसी पर है, लेकिन विचार हमारा एक बैकग्राउंड में आ रहा है, उस विचार पर हमारा ध्यान नहीं गया, तो उसे रहने दें। अगर उसे में हमारे ध्यान का पोषण नहीं मिलेगा तो विचार खुद ब खुद चले जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन भटक गया है, यानी हमारे जाने न जाने में हमने उस विचार को अपने ध्यान का पोषण दिया, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जहां तृष्णा से लेकर एक उपादान होता है जो एक कहानियों में हम झूंझ जाते हैं और आखिरकार हम एक रिएक्शनरी स्टेज में चले जाते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों हो रहा है, इस पर सवाल उठाना, इससे परेशान होना, नाराज होना, ये हमारे एक रिएक्शन में हम पहुंच जाते हैं। तो बस ये विचारों के बारे में ये थोड़ी चर्चा करना चाहता था मैं, और विचारों को पहचानते ही क्यों हमें शिक्षार का प्रयोग करते हुए, छह कदमों का प्रयोग करते हुए वापस अपने ध्यान को अपनी साधना के आलंबन पर लाने का क्या फायदा है, ये मैं थोड़ा दर्शाना चाह रहा था, ताकि हम उस एक काल्पनिक दुनिया में, एक ख्यालों की दुनिया में, एक रिएक्शंस की दुनिया, एक प्रतिक्रिया की दुनिया में फंसे ना रहे। और ये बिल्कुल बुराई नहीं है, कभी हर बार हमारे मन की स्थिति अलग होती है, कभी हमारा ध्यान ज्यादा देर तक रहेगा हमारे आलंबन पर और कभी भटकेगा, तो इसके बारे में हमने चिंता नहीं करनी है, हमें बस ये याद रखना है हमारी तरफ से जो सही व्यायाम, सही एफर्ट, सही प्रैक्टिस, सही ध्यान करने का जो तरीका है वो ये है कि जब हमने पहचाना कि मन विचारों में भटक गया तो शिक्षार के जरिए उसे हमने वापस लेकर आना है अपने साधना के आलंबन पर। तो बस इस इतनी टिप्पणी के साथ अभी ध्यान का सत्र शुरू करते हैं, साधना का सत्र शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, बस एक मिनट उनके भले के लिए मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या वो मंगल मैत्री की साधना से परिचित हैं, जो कि हम ये शमत विपश्यना के साधना में करते हैं। अगर नहीं है तो मैं एक बार उनके फायदे के लिए, जो हमारा मंगल मैत्री साधना कैसे करते हैं ये संक्षेप में एक बार दोहरा दूंगा। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बार कृपया बता दें। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं मानूंगा कि आप परिचित हैं साधना से और हम साधना आरंभ करेंगे। कौशल्य जी, आपने ये साधना की है क्या पहले? हेलो सर। हाँ, ये साधना आप कल की है या आज पहली बार आए? नहीं नहीं, इसके पहले मैं डॉक्टर चेरेकर सर के यहाँ की है कुछ दिन। अच्छा, ठीक ठीक है।
तो इसी के साथ एक घंटी बजा के हमारे सत्र का आरंभ करते हैं। आधे घंटे के बाद मैं फिर ये घंटी बजाऊंगा, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे।
सबको नमस्कार। उम्मीद है सबकी साधना सही व्यायाम के साथ हुई, सम्यक व्यायाम के साथ हुई। चाहे जितनी बार भी मन भटका हो तो सही तरीके से हम अपने मन को वापस लाए हैं, यही एक अच्छी साधना का प्रतीक है। अब प्रश्नोत्तर का सत्र शुरू कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है क्या? आप सभी लोग ये साधना प्रतिदिन कर रहे हैं? आप सभी लोग ये साधना प्रतिदिन कर रहे हैं? आप सभी लोग ये साधना प्रतिदिन कर रहे हैं? आप साधना प्रतिदिन कर रहे हैं? आप ये डॉक्टर साहब, आप दो जगह से शायद लॉकडाउन है, शायद इसलिए हो रहा है ये। हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि क्या आप ये साधना, इस साधना का अभ्यास रोज कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। जी, रोज कर रहे हैं। क्या आप दिन में मुस्कुरा रहे हैं पूरे दिन में? वो भी साधना का हिस्सा है। कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। जब जब याद आए तब मुस्कुराइए। देखिए, तीन महत्वपूर्ण हमारे स्तंभ हैं जो पहले भी पिछले सत्रों में हमने चर्चा करी है, दान, शील और भावना। भावना है जो अभ्यास हम करते हैं, शील है जो पंच शीलों की हमने बात करी थी कि हिंसा न करना किसी प्राणी के प्रति, कोई न दी हुई चीज न लेना, मतलब जिसे साधारण भाषा में चोरी करना कह सकते हैं, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, यौनिक दुराचार नहीं करना, किसी से गुस्से में न बोलना, न झूठ बोलना, न ऐसी कोई बात करना जिससे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हों या किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई करना। और पांचवा है, ऐसी कोई वस्तु का सेवन नहीं करना जिससे हमारी मानसिक स्थिरता हिल जाए, इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेना। तो हमारे तीन हिस्से हैं। दान, जैसे मैंने कहा, आपके हर कार्य में एक दान का भाव आप ला सकते हैं, दूसरे की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप कहीं धन का दान ना कर रहे हों, किसी की सेवा ना कर रहे हों, मदद ना कर रहे हों, तो कम से कम मुस्कुरा दीजिए, उससे भी उनका बहुत भला होता है। तो ये हमारी दूसरा स्तंभ हुआ जो दान का है, और तीसरा हमारी भावना का, जिसमें हम अभ्यास के जरिए से अपनी स्मृति को बढ़ाते हैं और हमारी जो मानसिक प्रक्रिया हो रही है उसको और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और चल क्रमण ध्यान भी क्या कोई कर पा रहे हैं, कर रहे हैं अभी? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा होता है और तो भी मन भटक जाता है, पर प्रयास जारी है। तो आज जैसे हमने चर्चा करी, तो मन का भटकना तो कोई, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बस मन के भटकने पर, उसी विचार पर, उसी कहानी में, उसी कल्पना में फंसे रहना, मन को वहीं रहने देना, एक अच्छी स्थिति में ना लाना, एक उत्कृष्ट स्थिति में ना लाना,
वहां पे हमारी कमी हो जाती है बस। तो बस जब तक मन भटकता है और हम वापस ला कुशलता से उसे वापस ला सकते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है मन के भटकने। वो जो ट्रांजिशन फेज है ना कि भटका और वापस आए, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम करना है, तो प्रयास उसके प्रति थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्रयास बस ये कीजिए कि जैसे ही आपने पहचाना तो आपका ये 6R का जो पहला कदम है वो खुद ब खुद हो चुका है, तो उसके बाद आपने बाकी कदम करने हैं। और जैसे जैसे आप पहचानेंगे तो वैसे वैसे ही आपकी पहचानने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी कि आप बहुत जल्दी पहचान पाएंगे कि आपका मन भटक गया। तो बस आपका एक पहला जो स्टेप है वो खुद ही जो रिकग्नाइज स्टेप पहचानना कि मन भटक गया वो खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन वहां पे हमने रुकना नहीं, बस ये मुख्य है मान लिया। जी थैंक यू। मैं निकलता हूँ, अगले संडे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अंजुम। नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्कार। वो चंक्रमण ध्यान के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? हाँ जी। ओके। तो चंक्रमण ध्यान का अर्थ है कि हम चलते हुए यही साधना करते हैं, इसका मैं तरीका बताऊंगा और इसका महत्व बताऊंगा। इसका महत्व ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो साधना है ये केवल एक कमरे में बंद हम सप्ताह में या दिन में एक बार करें और उस समय हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वापस जिंदगी में वही उलझने हैं, वही हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, वही रिएक्शंस हैं, वही दिक्कतें हैं, वही नाराजगी है, वही लोभ है, तो इसका फायदा नहीं। तो इसके लिए चंक्रमण ध्यान जब हम करते हैं तो ये एक आधार बनता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में भी अपनी स्मृति का उपयोग करते हुए अपने मन के भटकाव को पहचान सकें और कुशलतापूर्वक उसे वापस एक उत्कृष्ट मन पर ला सकें। तो ये इसका महत्व है, इसलिए करना चाहिए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको करने का सबसे फायदेमंद समय है कि आप जो बैठकर ध्यान करते हैं, ध्यान का जब भी आप सुबह उठ के ध्यान करें या शाम को करें, तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि ध्यान से जैसे ही आपका जो अभ्यास खत्म होता है तुरंत आप उस समय चंक्रमण ध्यान शुरू कर लें। इससे फायदा ये होता है कि आपका मन पहले ही स्थिर होता है। जैसे अभी किसी भी आप नॉर्मल समय में आप कोई काम कर रहे हैं उससे उठकर अगर आप चंक्रमण ध्यान करेंगे तो मन थोड़ा ज़्यादा भटकता है। अगर आप केवल तुरंत आप अपने अभ्यास के बाद करेंगे तो मन में एक स्थिरता रहती है, ज़्यादा और मन के भटकाव को देखने की क्षमता होती है हमारे अंदर। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये चंक्रमण ध्यान करें, ये अगर हो सके तो अपने अभ्यास के बाद करें, वरना किसी भी समय कर सकते हैं। कैसे करना है, कोई एक 30-40 फुट का एक दायरा आप देख लीजिए जो आपके घर के बाहर या तो रोड पर हो या आपकी छत पर हो या कोई पार्क हो आपके घर के पास, ऐसी कोई जगह हो जो आपसे परिचित हो, जहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी से टकराने का कोई चांस ना हो, तो ऐसी एक जगह लेंगे आप। आपको जैसे आप दैनिक जीवन में कार्यों के लिए जिस फुर्ती से चलते हैं उसी फुर्ती से आप चलेंगे, आपकी नज़र आपसे 6-8 फुट की दूरी पर ज़मीन पर होगी, क्योंकि हम ऊपर नीचे देखेंगे, कोई जानवर देखेंगे, पक्षी देखेंगे, तो हमारा ज़्यादा मन भटकेगा उन चीज़ों पे। तो ऐसा अपन करेंगे कि सामने देख कर चलेंगे ज़मीन के ओर 6-8 फुट दूर, और जैसे ही हमारा और जो हम मंगल मैत्री अपने आप को भेज रहे हैं, अपने मित्र को भेज रहे हैं, अपने मित्र को भेजते हुए चलेंगे, जैसे ही हमारा मन में कोई विचार आए भटक जाए, तो जिस तरह हम बैठने वाली साधना में करते हैं उसी तरीके से हम अपना मन 6R के जरिए वापस हमारे ध्यान के साधना के आलम्बन पर लेकर आएंगे। तो ये चंक्रमण ध्यान है।
इसको कम से कम 15 मिनट के लिए करेंगे। 15 मिनट का एक अच्छा समय रहता है, 15 मिनट से आधा घंटा। तो अभ्यास के आप बैठने वाले अभ्यास के तुरंत बात करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी और समय कर सकते हैं। और इससे धीरे धीरे हम दैनिक जीवन में एक मन की कुशलता लाने के लिए तैयारी करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया आपने, धन्यवाद धन्यवाद। मिलिंद जी आपका कुछ प्रश्न था? मेरा था कि जो सर प्रैक्टिकल लाइफ में डेली अपन जो हार्श स्पीच का जो यूज कर रहे हैं हो जाता है, तो उसे कैसे रिड्यूस किया जाए? हार्श स्पीच जो हम करना शुरू करते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है, तो पहले आपके हार्श स्पीच के लिए कोई आपने कुछ सुना होगा, देखा होगा, उससे आपके हार्ट स्पीच, उसके रिएक्शन में आपका हार्ट स्पीच निकला। ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने कहा कि मैं जाके किसी पर चिल्लाता हूँ, है ना, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया रिएक्शन में ये निकलता। और ये रिएक्शन कैसे उत्पन्न होता है? सबसे पहले हमारे या तो मन में किसी विचार का स्पर्श होता है, तो मन भी एक सेंस ऑर्गन है, उसमें विचार का स्पर्श हो सकता है, या हमारी आंखों पर किसी चीज़ का स्पर्श हो सकता है, कानों पर कोई किसी चीज़ का स्पर्श हो सकता है। जैसे मैंने पिछले एक सत्र में समझाया था, एक उदाहरण दिया था कि हम ध्यान करने बैठे हैं और हमारे पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है। सबसे पहले वो ध्वनि पहुंचती है हमारे कान पर, पड़ती है, साथ में हमारी सुनने की जो क्षमता है, जो सुनने का विज्ञान है, ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं, एक चलता हुआ कान, एक ध्वनि और एक जो हमारी सुनने के का विज्ञान है, ये तीनों साथ में आते हैं। तो स्पर्श होता है, स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है, एक फीलिंग। ये हमारी फीलिंग्स वैसे नहीं, इमोशनल फीलिंग जैसे नहीं है, एक केवल एक ये फीलिंग है कि एक कुछ घटना घटी है, इसका एहसास है, जो कि कहता है कि अब इस एहसास पर कुछ प्रक्रिया हो। वहाँ उस एहसास से हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है, एक तनाव उत्पन्न होता है कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है। वहाँ से हमारे मन में उपादान होता है, यानी ये मेरे जिंदगी की एक जो कहानी मैंने बनाई हुई है, मेरे संसार का एक जो कल्पना है, उसमें ये कहाँ पहुँचती है कि ये अब यहाँ पे कहानी बनने लगी कि ये एक व्यक्ति है, मेरा पड़ोसी है, जिसे मेरी परवाह नहीं, मतलब ये जो एक कहानी है ये उसके बाद आती है, कि जब पहले हम कहते हैं कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है, वहां से ये बढ़ के एक कहानी में तब्दील हो जाती है। और उस कहानी के हमारे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन है कि या तो मैंने उसको चिल्लाया कि अपने कुत्ते को अंदर करिए, या हमने दरवाजा पटक दिया कि इसको अपना गुस्सा दिखाने के लिए, या उसे सवाल पूछने लगे कि आप क्यों हमेशा ऐसे करते हो, आप क्या चाहते हो मुझसे। तो ये जो हार्श स्पीच होता है, तो ये ऐसे नहीं कि हम सीधे हार्श स्पीच करने लगते हैं, ये एक प्रक्रिया के का एक वो कल्मिनेशन है, एक जो उसका अंत है कि हम एक रिएक्शन करते हैं। तो हार्श स्पीच करने के पहले एक, जैसे आप अपनी साधना में ना ये तृष्णा आप पहचानने लगेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप हार्श स्पीच करने के पहले ही आपका आपकी जो स्मृति है वो देखेगी कि बहुत एक तीव्र तृष्णा उत्पन्न हुई, एक हलचल हो रही है, एक बेचैनी हो रही है, एक कहानी में झूंझ रहा हूं मैं। तो उसी समय, तो एक अंग्रेजी में जैसे दो शब्द होते हैं, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अर्थ है कि एक घटना में या एक प्रसंग में उपयुक्त हमारी प्रक्रिया हो, कि एक अप्रोप्रिएट तरीके से हम डील करें। और दूसरी चीज होती है रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया, कि हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बस कुछ आदतें हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, बस उस एक आदत में से एक हमने चूज कर लिया कि अब ये करेंगे, और वो एक ऑटोमेटिक डिसीजन होता है, उसमें हमारी कोई सोच या हमारी कोई कुशलता रहती नहीं है। हमारे कुछ उस प्रसंग को समझने के पहले ही हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमसे निकल जाती।
और वो होती है आपकी हर्ष। दूसरी चीज है, जब भी आपका शील भंग हो तो एक तो अपने आप को इस पर कोसना नहीं है, बुरा नहीं महसूस कराना है। गलतियां होती हैं, हमेशा से हम शील भंग करते आए हैं, लेकिन अब थोड़ी हमारी समझ बढ़ रही है तो हमारे पास मौका है कि समझ सकें कि ये कुछ गलत कर रहे हैं और उससे सीख सकें। तो आप अपने आप को पहले माफ करें शील भंग करने के लिए और समझें कि किस प्रसंग में किस तरीके से मैंने रिएक्ट करा। ये भी आपकी एक शिक्षा का एक अंश है, मतलब आप अपने आप को सिखा रहे हैं कि कैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी स्पर्श होता है, उसके अंत पर कैसे मेरे ओर से प्रतिक्रिया होती है। ये आप शिक्षा दे रहे हैं अपने आप, है ना। स्मृति भी आपको इसी प्रक्रिया को एक स्लो मोशन में समझाती है धीरे धीरे जैसे आप बढ़ाते हैं। तो आपकी एक शिक्षा रही कि हाँ, इस बार मेरे मन मैंने कुशलता से अपने ध्यान को नहीं संभाला, कुशलता से अपने मन की प्रक्रिया को नहीं समझा, नहीं संभाला, और उसके अंत में ये नतीजा हुआ कि मेरा शील भंग हुआ, मैंने हार्श स्पीच किया या कुछ और किया। तो अपने आप को माफ करें, ये प्रक्रिया जो हुई, ये प्रतिक्रिया जो हुई वो समझने की कोशिश करें और एक अपने मन में थोड़ा निर्णय कर लें कि अगली बार थोड़ा और मैं कुशलतापूर्वक अपने आप को ऐसे प्रसंग में पेश आना चाहूंगा। तो ये आप निर्णय करें। जैसे ये निर्णय करते हैं आप, तो इससे आपके अंदर कहीं एक ये बैठ जाता है कि अगली बार कि आपको खुद चेतावनी मिल जाएगी कि मैं फिर अपना शील भंग करने वाला हूं। उसके बाद आपका निर्णय है कि आप उस चेतावनी को सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन ये एक खुद ब खुद आने लगती है। एक और जो इसका आधार बन सकता है कि आप सुबह उठकर जो पांच शील हैं, तो एक आप ये इनको पढ़कर बोलें। तो डॉक्टर साहब शेयर कर सकते हैं जो पांच शील हैं हिंदी में, तो आप इसको एक बार रीड आउट करते हैं। तो एक जो चीज हम कहते हैं या जो चीज हम लिखते हैं, तो वो एक अलग तरीके से हमारे जहन में बैठ जाता है कि हाँ, ये चीज इस चीज का पालन करना है। एक थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से बन जाता है। जो चीज हम सिर्फ मन में रहता है, उड़ते फिरते कोई ख्याल आते हैं, उस चीज के साथ हमारा उतना एक निष्ठा नहीं होती है। तो सुबह आप उठ के बोलेंगे। दूसरी चीज, आप समझेंगे कि जब भी आपका शील भंग करने वाला कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी शिक्षा है, और एक निर्णय लेंगे कि आगे ये शील भंग होने के पहले हम कुशलतापूर्वक अपने ध्यान को एक उत्कृष्ट मन पर लेकर आएंगे, एक मंगल मैत्री की भावना पर लेकर आएंगे। मंगल मैत्री के बारे में पूछा था पिछले सत्रों में कुछ लोगों ने कि मंगल मैत्री क्यों, श्वास क्यों नहीं। तो मंगल मैत्री की एक ये फायदा है कि ये मंगल मैत्री जब हम देते हैं, भेजते हैं अपने आप को, अपने मित्र को, या हमारे सामने जो भी व्यक्ति हो उसको हम भेजते हैं, तो इससे खुद ब खुद एक घृणा वाला जो द्वेष, जो इल विल, हेट्रेड वाला जो एक भाव है, जो उस प्रकार के विचार जो होते हैं, उनके उत्पन्न होने की संभावना खुद ब खुद कम हो जाती है। जितने समय हम मुस्कुराएंगे, जितना समय हम मंगल मैत्री के साथ रहेंगे, तो खुद ब खुद ऐसे विचार उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। तो ये डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पर जो शील हैं, तो इसके लिए प्रीसेप्ट्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये इन्होंने रखे हैं सामने। तो आम दैनिक जीवन में पहले पांच जो शील हैं इनको, इनका उच्चारण आप कर सकते हैं सुबह सुबह, एक मन के लिए, बाकी आपके दिन के लिए एक ये आधार बन जाता है। थैंक यू सर।
साधना करते समय अगर 15-20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद पीड़ा उत्पन्न हो जाती है पैर में या जंघा में, तो उसके साथ कैसे डील करना है? तो पीड़ा जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक शारीरिक पीड़ा है कि आपको आर्थराइटिस जैसे कोई कंडीशन हो, कोई ऐसी बीमारी हो, या आप जिस आसन में बैठे हैं वो आरामदायक ना हो, तो इससे पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इस तरीके की जो पीड़ा होती है, जो आपके शरीर में वास्तव में बहुत तकलीफ हो रही है, तो अगर आप उठकर चलेंगे तभी ये पीड़ा आपकी जारी रहेगी, मतलब ये पीड़ा नहीं जाएगी कहीं, आपको वो दर्द चलते रहेगा। इसका उपाय ये है कि एक ऐसे आरामदायक आसन में बैठें, अपने पीठ को या अपने हाथों को या अपने पैरों को कुछ आपको सहारा देना है, कोई तकिया रखना है। इतना आरामदायक नहीं होना है कि आप सो जाएं, आलस हो जाए आपको, लेकिन इतना आराम हो कि आपकी शारीरिक दर्द ना उस आपके बैठने से उत्पन्न हो और आपके ध्यान को असर हो उससे और आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचे। तो एक तो हमारे आसन से लेकर हमें ध्यान देना है कि कैसे हमने बैठना है। दूसरा एक प्रकार की जो पीड़ा होती है वो हमारी साधना से जुड़ी होती है। जो भंते जी ऐसे कहते हैं कि जो हमने पुराने शील भंग करे होते हैं वो एक दर्द, एक पीड़ा की तरह हमारे उत्पन्न होते हैं। इसको मेडिटेशन पेन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका एक लक्षण ऐसा है कि जैसे ही आप अपने बैठे हुए आसन से आप उठेंगे तो ये लगभग 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में ये गायब हो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो आपके कोई शारीरिक नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत एक एक हमारे परेशान होने वाली, डरने वाली बात नहीं है कि शरीर को कुछ नुकसान पहुंचता है, बल्कि ये एक हमारी साधना से जुड़ा हुआ दर्द है। इसके साथ हमने वही बाकी विचारों की तरह पेश आना है। ये एक, जैसे मैंने 5 प्रकार के विचार बताए थे, ये इस प्रकार का जब विचार आता है, दर्द का जब एहसास होता है, तो तुरंत हमारे मन में एक द्वेष या घृणा उत्पन्न होती है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं पसंद है। और वहां से हम जितना सोचते हैं कि ये दर्द मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, तो हमारे ध्यान के साथ वो दर्द का विचार बढ़ते रहता है और उसका जो हमें एहसास हो रहा है वो भी बढ़ते रहता है। तो शायद सभी ने कभी अनुभव किया होगा कि खेलते समय या कोई जरूरी काम करते समय थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाए, हमारा ध्यान लेकिन खेल पर या हमारे काम पर रहता है, तो उस दर्द का हमें एहसास नहीं होता। लेकिन आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या कुछ बिल्कुल आराम से बैठे हैं और तब आपको दर्द होता है, आपको कोई और काम नहीं, आपके ध्यान कहीं लगा नहीं हुआ है, बस भटक रहा है यूं ही, तो उस दर्द पर वो पकड़ लेगा और उस दर्द से किसी भी स्पर्श की तरह के साथ जैसे होता है एक पूरी कहानी में उसको तब्दील कर देगा। तो यही होता है, यहाँ पे हमारे दर्द कोई शारीरिक कठिनाई या शारीरिक नुकसान की वजह से नहीं हो रहा, ये हमारे एक साधना में ही एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है और जैसे जैसे हम उस पर ध्यान देंगे तो ये सचमुच एक शारीरिक संकट की तरह हमें दिखने लगेगा। तो इसके साथ भी वही बर्ताव करना है, 6 कदमों के जरिए, 6 R के जरिए हमारे ध्यान को वापस लाना है। हमारा ध्यान ही इस पीड़ा का पोषण है, जैसे जैसे ये पोषण हम दूर करेंगे तो थोड़े वक्त में वो खुद ब खुद वो एहसास चले जाएगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में ऐसी शारीरिक कठिनाई हो रही है जो कि उठने के बाद नहीं चल रही है, तो आपका आसन ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना कोई इससे हो सकता है आपके शरीर को सचमुच नुकसान पहुंचे।
मेरा एक क्वेश्चन है, जो व्यवहारिक जीवन है उसमें हम आई का जो कॉन्सेप्ट है, नॉट माई सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे अपने जीवन में लाएं? आपके जीवन में तो है कॉन्सेप्ट आई का, उसमें लाना क्या है? आपका सवाल नहीं समझा मैं, थोड़ा क्या कॉन्सेप्ट है अनात्म का, थोड़ा विस्तार में कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिसे आपके जो अनात्म का कॉन्सेप्ट है, आई आई का जो कॉन्सेप्ट है, उसे कैसे अपन डिसॉल्व करें कि मैं हूं नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिसॉल्व करें? हाँ, तो आपको लाना नहीं, डिसॉल्व करना है। देखिए, एक दो चीजें हैं, एक इंटेलेक्चुअली समझना है ये चीज कि एक इस ये किस चीज की हम बात करते हैं, आई या सेल्फ की जो बात करते हैं, एक तो इसको इंटेलेक्चुअली समझने वाली बात है, वो भी लाभदायक रहती है, और दूसरी चीज है ये हमारे साधना में इसका मतलब साक्षात में ये देखना, इससे परिचित होना, तो वो और भी ज्यादा लाभदायक होती है। उससे सचमुच ये जो एक मिथ्या है एक आई की सेल्फ की, जिस तरीके से हम उसे समझते हैं आम जीवन में, तो उससे हम ज्यादा परिचित हो सकते हैं। कैसे? तो एक बार पहले इंटेलेक्चुअली इसको देखते हैं, आई का जो कॉन्सेप्ट है। तो आई का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, तो आप जब एक छोटे बच्चे थे या स्कूल जाते हुए बच्चे थे, या आप एक टीनेजर बने, युवक बने, आज जो हैं, तो हर समय आपके मन में एक आई का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप ये आज भी देख सकते हैं कि जो आप व्यक्ति थे 20 साल पहले, वो आप नहीं हैं आज। आपके कुछ ही टाइम में आपके बदन में सारे जो सेल हैं, जो आपके बदन को बनाते हैं, आपके बदन के जो अंश हैं, वो सारे बदल जाते हैं। आप अपने बारे में जो सोचते हैं कि आप एक अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, एक इंजीनियर समझते हैं, या डॉक्टर समझते हैं, या प्रोफेशनल समझते हैं, या जो भी आप कार्य करते हैं, तो इससे भी हम अपना हमारी जो पहचान है बदलते रहती है। अलग अलग प्रसंग में कभी आप एक आदमी होते हैं, कभी एक केवल एक मानव होते हैं, कभी आप हिंदू होते हैं, बौद्ध होते हैं, मुस्लिम होते हैं, कभी आप एक भारतीय होते हैं, कभी एक मराठी होते हैं। तो ये जो आई का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सारे वक्त हमारा बदलते रहता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक आई का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे प्रसंग से जुड़ा होता है, कि एक जो प्रसंग है, एक जो घटना हमारे साथ घट रही है, उसके हिसाब से हमारे आई का कॉन्सेप्ट चेंज होते रहता है। तो जो चेंज होते रहता है, वो मतलब आप उस वो एक कंटिन्यूअस परमानेंट एंटिटी नहीं है। जो एक चीज है कि जो आप कहते कि ये एक चीज है, ये कभी बदलती नहीं है, तो ऐसी कोई सेल्फ नहीं होता। तो एक जो सेल्फ है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर घटना हर प्रसंग में बदलते रहता है, और ये हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अभी आपके अगर आप विवाहित हैं, तो एक पति की पर्सनालिटी आप कभी ले लेंगे, आपके बच्चे हैं तो एक पिता का पर्सनालिटी आप ले लेंगे। तो आपका जो एक आई का कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा एक प्रसंग से जुड़ा होता है। और ये क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत है? तो इसका जो ओरिजिन है, जो एक आई का कॉन्सेप्ट क्यों हमें जरूरत होती है, एक बहुत सरल चीज है कि हमें जीवित रहना है। अभी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचना शुरू कर सकते कि अच्छा, ये जो जीव है, ये जो एक बदन है, ये मांसपेशियों और हड्डियों से बना है, अगर लोहे का एक वाहन आकर इससे टकराएगा तो ये इधर उधर बिखर जाए। उसके लिए एक बहुत सिंपल, इतना सोच विचार करना, इतना एनर्जी इन्वेस्ट करना, उससे बहुत सरल तरीका है कि मुझे बच के क्रॉस करना है। मतलब ये ऐसे हम
एक टाइम के बाद ये बच्चे को फिर भी सोचना पड़ता है, हमें तो सोचना भी नहीं पड़ता। तो एक आई का कॉन्सेप्ट इसके काम आता है कि अपने सर्वाइवल के लिए, कि मुझे भूख लगी है तो ये नहीं सोचना पड़ता अच्छा ये जो मांसपेशियों वाला जो बदन है इसमें अन्न जाएगा तो उसके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, अन्न नहीं जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा बदन। तो ऐसे आपको हर बार एक सोचना शुरू से नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा इसमें ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एनर्जी है, इसमें बायोलॉजी है, इसको फ्यूल डालना पड़ेगा तभी चले। तो बहुत सारे हमारे जो साधारण जीवन की चीजें सरल हो जाती हैं एक आई के कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअली एग्जामिन करके आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सारे टाइम बदलते रहता है। कभी मैं इस व्यक्ति का दोस्त होता हूँ, कभी उसका दुश्मन होता हूँ, कभी मेरा वो मेरी खुशहाली चाहता है, कभी मेरी बर्बादी चाहता है, मैं किसी की भलाई चाहता हूँ, कभी किसी उसकी बुराई चाहता हूँ। तो ये चीजें बदलती रहती है, हमेशा ये प्रसंग से जुड़ा होता है। और यही चीज जब हम अपने अभ्यास में जब हम गहरे जाते हैं, तो जो मैं हर बार एक प्रक्रिया की बात करता हूं तो वो प्रक्रिया में दिखती नहीं है। हम हमेशा तभी समझते हैं जब हमारा मन विचार में बिल्कुल कहानियों में कल्पना की दुनिया में बिल्कुल झूंझ चुका होता है, तब हम पहचानते हैं कि अच्छा हमारा मन भटक गया। पर जैसे आप अपने अभ्यास में गहरे होंगे, तो पहले भी मैंने एक बार बताया था कि एक समता और विपासना को जोड़ के करने का क्या फायदा है। समता से आपका मन स्थिर रहता है और विपासना से आप मन के भटकाव को समझते हैं। तो जैसे जैसे आप स्थिरता में बढ़ते जाएंगे तो ये जो भटकाव है इसको आप और जल्दी आप पकड़ना शुरू करेंगे। तो जो हम एक बिल्कुल कहानी में पहुंच गए कि मेरे पड़ोसी के लिए मैंने 3 साल पहले क्या किया था और आज वो मुझसे कैसा बर्ताव करता है, उसके बच्चे मेरे से कैसे बर्ताव करते हैं, वहां पे आप आज पहचान पा रहे हैं। कुछ समय बाद आप पहचानने लगेंगे कि अच्छा यहाँ पे मेरा मन बहुत पहले कि भाई मैं ये सोचा कि मुझे पसंद नहीं है यार, क्यों आ रही है आवाज, ये आवाज नहीं होती तो मेरी साधना अच्छी होती, उसी समय आप पकड़ लेंगे। उसके बाद और आप गहरा जाएंगे, आपके ध्यान का स्तर बढ़ेगा, जो एक ध्यान का स्तर में आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो जैसे ही ये तृष्णा पैदा होगी उसी समय आप समझना शुरू कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया से जब आप परिचित होते हैं तब आप समझते हैं कि एक आई का जो कॉन्सेप्ट है ये बनने के पहले भी कुछ प्रक्रिया हो रही है, मतलब ये आई का जो कॉन्सेप्ट है एक प्रक्रिया के बीच में एक साधन है जिससे जिंदगी को समझना या अपने आप को जीवित रखने में आसानी होती है। उसीलिए ये कॉन्सेप्ट है सब हर जीव के पास है कि कैसे मैं अपना बचाव करूं, कैसे अपने आप को खाना दूं, कैसे मैं आगे अपना विकास करूं। तो उसके लिए आई बहुत एक आसान आधार होता है। तो ये आप इंटेलेक्चुअली भी एग्जामिन कर सकते हैं और जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे आप ये भी समझते हैं कि जैसे एक विचार आते हैं तो ये हमारे कहने पर या हमारे सुविधा के लिए नहीं आते, ये खुद ब खुद आते हैं और ये चीज़ें उन चीज़ों से आती हैं जिनसे हमारा जुड़ाव मन ज़्यादा जुड़ा होता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। हर रोज़ हम सोचते कि ये प्रमोशन चाहिए मुझे या हर बार हम अपने पड़ोसी से परेशान रहते हैं, तो ये चीज जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में उससे हमारा जो जुड़ाव होता है वो बढ़ते रहता है। तो वहां से ये विचार खुद ब खुद उत्पन्न हो रहे हैं। आप तो बैठे थे साधना करने के लिए, आपने तो कहा नहीं कि मुझे इधर उधर से 50 विचार आए, ये खुद ब खुद आ रहे हैं। तो अगर ये विचार खुद आ रहा है और उस विचार के प्रसंग में आपका जो आई का एक कॉन्सेप्ट है ये पैदा हो रहा है, यहाँ पे भी ये आपने इस विचार को आमंत्रित नहीं किया ना आपने उसको उत्पन्न किया, ये खुद ब खुद उत्पन्न हुआ। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये जो आई है एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक परमानेंट चीज नहीं है, ये एक हमारे जीवन का सबसे मूल अंश नहीं है जो कि हमें आज लगता है। जो एक साधारण जीवन में अगर हम अकुशलता से चलते रहें तो हमेशा ये रहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे नहीं ये पसंद है, जो पसंद है उसकी तलाश में मैं रहूंगा और जो नहीं पसंद है उससे दूर भागूंगा। तो ये सब समझने में हमारा आई जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सरल कर देता है, लेकिन इसकी वास्तविकता जो है ये बहुत
इंटेलेक्चुअली एग्जामिन करके और हमारे साधना में हम देख सकते हैं कि वास्तविक में ये एक एक पर एक उल्लू से है मेरे ख्याल से राजीव जी का इंटरनेट कनेक्शन छूट गया है जी। तो अभी किसी को कुछ सवाल है और क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत हो गई थी। तो आखिरी टिप्पणी मिलिंद जी मैं यही करना चाहूंगा कि ये आई को डिसॉल्व करना या आई को इन्वेस्टिगेट करना जो है ये एक बहुत गहरा कुआं है, इसमें बहुत समय व्यतीत किया जा सकता है। तो इससे भला होगा कि जैसे आप अपनी साधना और अपने अभ्यास पर ज्यादा समय बिताएं और दान, शील और भावना, ये तीनों चीजों पर जैसे आप जैसे ज्यादा आपकी शीलता बढ़ती जाए, जैसे आप ज्यादा दान करें, तो हमेशा जो आय का कॉन्सेप्ट होता है वो एक दुनिया में और हमारे बीच में हर प्रसंग में एक लकीर खींचता है कि इस लकीर के इस तरफ मेरा फायदा है, ये मुझे चाहिए, या इस लकीर के इस तरफ मेरा नुकसान है, मुझे नहीं चाहिए। हमेशा ये अंतर लाते रहता है। इस पर सोचने से उतना फायदा नहीं जितना आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे दानशील और भावना से। ये लोगों ने टाकी में बाजू में खुद ब खुद आप देखना शुरू करेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट उत्पन्न हो रहा है हर बार। राजू जी नमस्कार। मेरे को एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का एक क्वेश्चन है। मैं फॉर एग्जांपल क्लिंगिंग जो होता है, क्लिंगिंग जीवन जीने के लिए क्लिंगिंग भी रहना चाहिए क्या? आई मीन फॉर एग्जांपल मैं खाने के लिए कभी भी एक दो होटल्स को जाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं वही होटल्स को जाता हूँ और खाना खाता हूँ। सो मैं ऐसे सोच रहा था कि ये क्या है कि इज इट ए लाइक देयर इज सम अटैचमेंट टुवर्ड दैट। देखिए मेरा मानना ये है कि कई लोग रेनन्सिएशन या मतलब चीजों का मोह छोड़ देना, वहां से शुरुआत करते हैं कि मैं किसी चीज का मोह नहीं रखूं, लेकिन वो भी एक तरीके का मोह होता है कि एक अटैचमेंट होता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं छोड़ दूंगा कोई चीज। तो ज्यादा जरूरी ये है, वही तीन स्तंभ जो हमारे हैं कि हमारा शील भंग नहीं होना चाहिए, एक दान का भाव हमारे हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, और जो हमारी भावना है जो हम अपनी स्मृति का विकास कर रहे हैं ये व्यवहारिक दैनिक जीवन में भी करें। तो जैसे आपको पसंद है कोई चीज जाइए, मतलब इसको ये जबरदस्ती करना अपने साथ की नहीं करूँगा तो उससे आपके और जो अड़चने हैं वो बढ़ेंगी, कि एक घृणा द्वेष अपने आप से या जीवन से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़े। तो अगर आप वो एक जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश करेंगे, कुशलता से आप कर सकते हैं। एक दिन आपने सोचा एक्सपेरिमेंट करता हूँ
मेरा मन बार बार वो डोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या होता है अगर मैं सिक्स आर करूँ थोड़ी देर में, क्या वो चले जाए। लेकिन ठीक है, ये इससे ना हमारा शील भंग हो रहा था कि उस जगह हम जाएं, ना हमें दान करने से कोई रोक रहा था, ना उस समय हम अपने मन को कुशलता से रख सकते थे, रखने में कोई रुकावट नहीं थी। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, रिनन्सिएशन जो होती है ये एक इफेक्ट होता है आपके आध्यात्मिक विकास का, मतलब उसका एक लक्षण होता है। शुरुआत में एक बिल्कुल पत्थर की लकीर खींच देना कि मैं रिनाउंस करूंगा सब कुछ, मैं कोई मोह नहीं रखूंगा, तो इससे ज्यादातर यही होता है कि इससे एक अलग तरीके का मोह बन जाता है कि मैं ऐसा बनूंगा, कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिस पे कोई बोल नहीं सकता, एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता इसको कोई चीज पसंद है, मतलब तो वो एक अलग तरीका का मोह बन जाता है। वो भी हमें अपनी मन की स्मृति बढ़ाने से रोकता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक घमंड आती है, घमंड पैदा होता है कि अच्छा मैं तो इतना, मेरा विल पावर इतना तेज है कि मैं जो चाहूं मैं वो छोड़ दूं। ये एक प्राकृतिक तरीके से अगर आपकी कोई छूट जाती है कोई मोह, तो कोई बुराई नहीं है, उस मोह के वजह से आप कोई शील भंग नहीं कर रहे, किसी कोई हिंसा नहीं हो रहा, किसी से आप बुरी तरीके से बात नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो हमेशा मतलब जो हमारे तीन पिलर्स हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, रिनन्सिएशन खुद ब खुद हो जाएगी, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है। हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा चेंजेस जो लाना है कि तुरंत सब कुछ काया पलट कर लें, वो आसान नहीं होता, धीरे धीरे करिए, मतलब ऐसे करिए कि आप उस कोशिश में और अपने मन में और अपने जीवन में तनाव पैदा ना करें। मेरे को और एक क्वेश्चन है राजेश जी, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं जब भी साधना में बैठता हूँ मैं एक तरफ से इकोनॉमिटी तो मेंटेन कर पाता हूँ, मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन एक्टिवली चलते रहता है, और एट द सेम टाइम इकोनॉमिटी में भी रहता हूँ मैं। जैसा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझो कि जैसे ही कोई हिंड्रेंस आया है, फटक से इट कैन एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज दैट एंड अटेंशन को होलसम के तरफ से मोल्ड करता है। तो मेरे को एक क्वेश्चन ये आता है डाउट कि मैं उधर नहीं अटक जाता हूँ ना इधर नहीं अटक जाता, मीन्स नीदर आई एम अटैच टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन नॉर आई गेट अटैच टू नीदर माई माइंड गोस आउटसाइड ऑफ द थिंग। मेरे को एक एक बार डाउट आता है ये सही मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। सॉरी क्या डाउट आता है मुझे ठीक से समझ नहीं आया, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं बाकी लोगों के लिए ट्रांसलेट करूंगा। मैं डॉक्टर साहब का ही इज सेइंग ही इज नीदर अटैच्ड टू हिंड्रेंस नॉर अटैच्ड टू इक्विनिमिटी। या माय क्वेश्चन इज माय माइंड्स अटेंशन डज नॉट स्टेस ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर लॉन्ग टाइम, neither my mind's attention goes outside, but it actually continuously discriminates and changes its direction towards wholesome. Sometimes I worry that is it, am I doing correctly, like usually people say that we need to be on the object of meditation for longer period of time. Aap abhi kya तो बाकी लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक बार सावन जी ये पूछ रहे हैं कि मेरा ना साधना के आलंबन पर मेरा मन रहता है, ना बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों पर विचारों पर जाता है, वापस आते रहता है लेकिन बहुत उस पर एकाग्रता से नहीं रहता, यही कहना चाह रहे हैं ना सावन। हाँ। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अभी आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है?
क्वाइट माइंड रहता है ज्यादा, क्वाइट माइंड। आपने पूरा, आपको आपने कोई रिट्रीट किया है जिसमें आपको बताया गया क्वाइट माइंड में जाने के लिए? ठीक है, तो ये थोड़े एडवांस्ड एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन है जहाँ पे धीरे धीरे जो हम मंगल मैत्री की भावना होती है, तो इसके बारे में अगले सत्र में मैं चर्चा करूँगा कि कैसे अलग अलग ध्यान के स्तरों के से हम गुजरते हैं, जैसे हमारा अभ्यास गहरा होता है और इससे हमारी जो मंगल मैत्री का भाव है ये भी बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है सारे ब्रह्म विहारों में, मंगल मैत्री से करुणा, मुदिता और उपेक्षा यानी इक्वानिमिटी पर जाता है। तो ये इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, लेकिन सावन जी आपके लिए अभी जब एक क्वाइट माइंड में आप पहुंचते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इक्वानिमिटी नहीं, आपके जो अभी हो रहा है तो आपकी इक्वानिमिटी ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गई है, उसीलिए आप उसके ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आप उसको पहचान नहीं पा रहे। तो अब क्या है कि आपका जो पूरा जो एक मन है, स्थिर मन जो है, क्वाइट माइंड जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें आपने सिर्फ जो मन में धीरे धीरे तनाव जैसे पैदा होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि आपका मन जैसे गहरा जाते रहता है तो छोटा छोटा तनाव जब पैदा होता है, एक स्पर्श कहीं हो रहा है उससे थोड़ा तनाव पैदा हो रहा है तो उसी का एहसास होने लगता है इसके पहले कि हम पूरी कहानी में हम पहुंचे हैं। तो ये उसी समय आप पूरा शिक्षार करने की जगह आप उसको वहीं पे शांत कर देंगे, जैसे आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हुआ उसको शांत करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, ध्यान आप पूरे अपने क्वाइट माइंड पे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे और आपका जो ऑब्जेक्ट है इतना डिसर्नेबल नहीं होगा जैसे आपके जो ब्रह्म विहार थे, जो आपके जो भाव मंगल मैत्री और से लेकर उपेक्षा तक जो जाती हैं, तो उनका जो एहसास होता है वो थोड़ा गहरा होता है, तो उस पर ध्यान रखना आसान होता है। तो अब आपका जब वो खत्म हो जाता है, क्वाइट माइंड में चले जाता है, तो आपने केवल एक मन को एक पूरे अंधेरे वाले एक कमरे की तरह आपके लिए है और वहां पे जब जब कोई ऊर्जा आती है तो आप उसको जैसे शांत करते हैं तो वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बस वो एक क्वाइट माइंड रखना है, या जैसे एक आप एक पानी का सरफेस ले लें तो उसमें कुछ कुछ कहीं कोई बारिश के या कोई पत्तों से बूंद गिरता है तो ये रिपल्स फॉर्म होता है, तो आपने उसको बस रिपल्स को शांत करना है, आपने एक ओवरऑल एक शांतता आपने मेंटेन करनी है अपने मन में। तो आप ढूंढते मत जाइए अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन को, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज क्वाइट माइंड। अच्छी बात है, थैंक यू राजेंद्र। ठीक है सावन जी, धन्यवाद। आज का सत्र समाप्त होने का समय हो गया है, कोई सवाल है तो अगले हफ्ते करेंगे और मेरी विनती है कि मतलब ये हमारा साप्ताहिक सत्र तो चलता है, इसके बीच में ये तीन जो हमारे स्तंभ थे, दान, शीलता और भावना, मतलब अभ्यास जो है आपके बैठ के साधना का अभ्यास और संक्रमण साधना का अभ्यास, ये दोनों जितनी बार हो सके दिन में कम से कम एक बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका विकास होते रहेगा। जैसे आप हफ्ते में एक बार कसरत करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको स्वस्थ होने में, तो वैसे ही रोजाना एक प्रैक्टिस हम बनाएंगे अभ्यास करने की, तो धीरे धीरे हमारे मन की कुशलता बढ़ने लगेगी, इसके परिणाम जो है हमारे व्यवहारिक जिंदगी में, जो हमारी हमारे जीवन में एक चैन रहता है, एक खुशहाली रहती है और जो हम खुशहाली दूसरों को भी देते हैं, इसमें आप वो परिणाम देखना शुरू कर पाएंगे। तो कम से कम अगर प्रातः में आधा घंटा अभ्यास और 15 मिनट का संक्रमण कर सकें तो ये बहुत आपके लिए लाभदायक। तो इसके साथ ये सत्र मैं समाप्त करूंगा। डॉक्टर साहब आप एक प्रार्थना। मेरा मंगल हो यरे, मेरा मंगल हो यरे।
तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो यरे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो यरे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो यरे, सबका मंगल, सबका मंगल हो यरे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो यरे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो यरे, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, साध 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 साध, नमस्कार।